सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह राणा है जी। बलवंत जी कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश ज्वाला जी से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे कि हिमाचल में आम सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश शेरावाली माता ज्वाला जी दुर्गा चिंतपूर्णी सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। हमारे पिताजी जो हैं वो शंकर भगवान जी के पुजारी हैं और उनके अलावा वो किसी को नहीं मानते, उन्हीं को ही भगवान मानते हैं। जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपने बहुत सारी देवी देवताओं की भक्ति की होगी। आपके घर में भक्ति पूजा का माहौल था, भक्ति साधना का माहौल था आपके परिवार में। तो इतनी सारी पूजाओं को करने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। सर इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है जी, सभी बताते हैं जितने भी धर्मों से पूछें हम, जहाँ भी जाएं हर कोई एक नॉर्मल एक गांव में व्यक्ति भी यही कहता है कि परमात्मा एक है। जबकि हिमाचल में इतने देवी देवता हैं, मेरी शुरू से ही ये थी कि इतने देवी देवता कैसे हैं जब परमात्मा एक है। और जैसे जैसे पता लगा, हमारे बड़े साहब भाई साहब जी ने पहले नाम लिया है तो उन्होंने हमें बताया कि परमात्मा कबीर साहब जी हैं। पहले मैंने माना नहीं कि परमात्मा कबीर साहब जी हैं। जब उन्होंने ज्ञान गंगा दी मुझे पढ़ने के लिए, उसमें पढ़ा, उसमें प्रमाण देखे, फिर उन्होंने कहा कि अब ये गीता ले जाओ, गीता पढ़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में देख लो, बाइबल में देख लो, कुरान शरीफ में देख लो, हर एक जगह प्रमाण है कि केवल कबीर साहब ही परमात्मा है। जब मैंने खुद पढ़ा, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में 721 अंक पे लिखा है, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दोष कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक भुगोए जन तुरा तेरे चाकरा पखाक। उसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर साहब ही हैं और नानक जी भी यही कहते हैं 731 अंग पे नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मुड्डा पावे। सर आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ी आपने ज्ञान गंगा, उसको पढ़ने से आपको इतना सारा लाभ मिला, इतना सारा ज्ञान हुआ, तब जाके आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है। तो सर हम लोग भी जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? मैं 21 सितंबर 2013 को प्रथम मंत्र लिया था जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी ये आरोप उनके ऊपर लगातार लगते आए हैं कि वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं। आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपको देवी देवताओं का ज़्यादा ज्ञान होगा, तो सर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं तो ये संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगा है कि वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो लोगों की गलत सोच है जी कि ये संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की निंदा करते हैं। जो हमें प्रथम मंत्र दिया जाता है उसमें सबसे पहले हमें देवी देवताओं की ही वंदना के लिए कहा जाता है। पूजा एक अलग चीज़ है, हमें प्रथम मंत्र में सभी देवी देवताओं के वंदना करवाई जाती है और इन्हीं की ही सबसे पहले भक्ति दी जाती है। मतलब निंदा नहीं करते वो किसी देवी देवताओं की? जी किसी भी देवी देवता की निंदा नहीं करते हैं। क्या भक्ति साधना बताते हैं संत रामपाल जी? हमें पांच जो हमारे शरीर में जो कमल हैं उन कमलों में हमारे ब्रह्मा जी विष्णु जी गणेश जी और दुर्गा जी इनका निवास है, तो हमें इन्हीं की भक्ति बताते हैं। उनसे मुक्ति के जो मंत्र हैं इनके मेन वो हमें बताए जाते हैं प्रथम मंत्र में। सर देवी देवताओं की पूजा बहुत सारे संत आदि करवा रहे हैं, शंकराचार्य महामंडलेश्वर जो वेदों का प्रचार करते आए हैं काफ़ी समय से, संत रामपाल जी महाराज जी जिनके बारे में आपने बताया कि वो ऐसा मंत्र देते हैं जो आपके शरीर के कमलों के हिसाब से है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना है, उससे आपको क्या कोई विशेष लाभ भी मिलता है? हाँ जी, जो हमें संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वे सभी शास्त्रों के अनुसार है। जैसे गीता जी में ओम तत् सत इति निर्देशः त्रिविध स्मृतः तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा, ये तीन मंत्रों का निर्देश है। निर्देश मतलब आदेश होता है, तो इसमें परमात्मा का आदेश है कि ये तीन मंत्रों से ही पूर्ण मुक्ति होगी। सर तीन मंत्र तो और गुरु भी देते होंगे ना? सर सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब संत रामपाल जी ने सभी शास्त्रों से ये प्रमाणित किया कि जैसे गीता खोल के बताई कि उसमें लिखा था कि जो बाकी संत नहीं बताते हैं वो भक्ति बताई हमें जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे 16:23 में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन तेरे लिए क्या कर्म करने योग्य है, क्या भक्ति कर्म नहीं करने योग्य है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी है। सर और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से?
ऐसा है जी, सबसे पहला लाभ तो यह है कि मैं 12वीं क्लास से ही लगभग सिगरेट और शराब पीना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद मैं जब काम करने लग पड़ा तो फिर किसी की देखरेख नहीं थी, ढाई ढाई साल बाद घर जाता था तो किसी का डर नहीं था, इसलिए शराब तो आम हो गई थी। तो जब से मैंने संत रामपाल जी का नाम लिया है तो तब से सारे नशे छूट गए हैं। और दूसरा लाभ मेरा शारीरिक लाभ है, मुझे खुद ब्लड की उल्टियाँ शुरू आना शुरू हो गई थी, नाम लेने के कुछ ही समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। और तीसरा लाभ ये है कि मेरी माता जी ने मेरे से पहले नाम ले रखा था, तो उससे पहले वो साल भर ही लगभग बीमार रहती थी, जब से उन्होंने नाम लिया है आज वो बिल्कुल सही हैं। और चौथा लाभ ये है कि घर में जैसे ही एक सेल्फ रखी होती है तो उसके ऊपर लड़का, 1.5 साल का लड़का था वो, ऊपर रखा उसको, तो वो जैसे ही घूम के नीचे गिरा तो यहाँ पे उसको चोट आ गई, मार्बल के ऊपर गिरा तो काफ़ी गहरी हो गई थी। तो जब उसका टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने ये बताया था कि इसकी जो चोट है वो दिमाग तक पहुँच गई है, इसके दिमाग पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन वो जैसे ही वो जख्म भरा तो बिल्कुल ठीक है आज वो। सर, ये जो अनेकों लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार हमें इंटरव्यू के माध्यम से बताते हैं, जैसे आपने हमें बताया, सर हम ये जानना चाहेंगे कि अन्य संतों से जो जुड़े हुए भगत हैं उनको ये लाभ क्यों नहीं हो पाते? भगवान की पूजा तो वो भी श्रद्धा के साथ कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, और सभी शास्त्रों में लिखा है कि हे जैसे शास्त्रों में भक्ति लिखी हुई है उसी अनुसार भक्ति करेंगे तभी लाभ होगा, अन्यथा तो केवल सिद्धियां ही प्राप्त होंगी। मतलब और कोई भी अन्य संत है, जैसे संत आसाराम जी है, निरंकारी मिशन है, कोई भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताता? आज तक संत रामपाल जी के अनुसार केवल संत रामपाल जी ही शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, उनके अलावा कोई भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं दे रहा है। सर एक मिनट के लिए मान भी लें कि संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए हैं, लेकिन सर भगत समाज के सामने समस्या ये भी है कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, उनके खिलाफ टीवी चैनल्स पर बहुत सारी खबर आती है, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जेल में कौन नहीं गया? नानक जी जेल में गए हैं, रविदास जी जेल में रहे हैं, राम जी वनवास गए 14 साल, कृष्ण जी जेल के अंदर पैदा हुए हैं, यीशु मसीह जी जो सच्चाई के लिए लड़ते रहे उनको सूली पे टांग दिया। सर क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं दे सकते, बस इतना ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। जी जी धन्यवाद। सत सही सत।